स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन हो चुके हैं, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको पता चल पाएगा कि आप रेलवे में आरआरबी में टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे। अभी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले आपको क्या करना है, sarkarijail.com पे आ जाना है, नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लास्ट जॉब्स का, इसके नीचे ही मिलेगा आपको या आप ऊपर ही मिल जाएगा आपको आरआरबी टेक्नीशियन, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने बाद आप अगले पेज पर आ जाओगे। फीस की बात कर लेते हैं, फीस वगैरह मैंने बता दी है नोटिफिकेशन में, इसके नोटिफिकेशन की वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 500 रुपये जनरल ओ बी सी डल की, एस सी एस टी की 250 रुपये फीस है। 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 18 अप्रैल तक आप फॉर्म भरेंगे। अगर आपकी कोई गलती है तो आप 9 से लेकर 18 अप्रैल तक फॉर्म को सुधार सकते हैं। 1/7/2024 के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग की जाएगी, 18 साल से लेकर 33 साल मांगी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल 1092 पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, वो आप देख लेना कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो बाकी आपको नीचे आना है, अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक कर आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप क्या करेंगे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा करेक्ट योर अकाउंट, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है, फिर आपका नाम पूछा जाएगा तो नाम आपको फिल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नाम डालना है, जो भी आपका 10th की मार्कशीट में नाम है फिर से दोबारा से नाम डालना है वेरीफाई करने के लिए। फिर आपका अगर नाम चेंज हुआ है तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो, जो नाम चेंज आपका हुआ है उसे आप डाल सकते हैं। फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ बोला जाएगा, दो बार आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर आप दो बार सेलेक्ट करेंगे, पिताजी का नाम आपको दो बार डालना है, माता जी का नाम दो बार डालना है, ठीक है दोस्तों, हर चीज़ आपको दो बार डालना है। उसके बाद जो है आपसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए बोला गया है, अगर आपका आधार कार्ड में और मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेम है, मतलब सब चीज़ ओके है, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है तो आप आई डोंट नो हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, आई डोंट नो हैव इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे अदर से, मतलब आधार कार्ड को छोड़ कर बाकी कोई भी एक आईडी दे सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड दिया हूँ मैं, पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है, डॉक्यूमेंट्स नंबर, इशू किसके अथॉरिटी हुआ है वो डालना है, प्लेस कहाँ से जारी हुआ है वो डालना है, फिर आपको ईमेल आईडी डालना है और जनरेट ओटीपी क्लिक करना है, अपने ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल कर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करना है, फिर एक पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा जो कि नाम का बड़ा अक्षर बाकी स्मॉल एट द रेट इस तरह से 4-5 है, इस तरह से अपना एक पासवर्ड बना लेगा और ये कैप्चर आप यहाँ पर डालिए। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड करेक्ट अकाउंट आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू आने के बाद आप चेक कर लेना और उसके बाद सबमिट कर देना, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद अब आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऑलरेडी हैव एंड अकाउंट आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी डालिए और जो पासवर्ड बनाया था वो डालिए या अपना मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड आप डालिए, उसके बाद लॉगिन आप कर लेंगे। अभी दोस्तों आप लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है अप्लाई एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा आपको वेट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, अभी आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आ चुका है, थोड़ा वेट करने के बाद मेरा तो इस तरह का आपके सामने ऑप्शन मिलेगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल और यहाँ पे ये मिलेगा टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं या तो आप ऊपर वाले में जो है अप्लाई कर सकते हैं या नीचे वाले में, आप इनमें से एक पोस्ट को जो है अप्लाई कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे जोन के लिए प्रयागराज के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, आप क्या करेंगे दोस्तों नेक्स्ट कर देंगे।
उसके बाद दोस्तों एक मैसेज आपको शो होएगा, जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका मैसेज मिलेगा। इस मैसेज में क्या बोला गया है, जो आपने रेलवे का ALP का फॉर्म भरा था उसी का डाटा इन्होंने जो है मैच कर लिया गया है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देख सकते हैं आपका ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है, मिलेगा नाम वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। आपको अगर आप जनरल OBC ST वाले हैं तो आपको जाति का यहाँ पे यस करना है, जाति का नंबर, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, तहसीलदार जा रही है, स्टेट का नाम डालना है, डेट ऑफ इशू, आपका जाति का डेट ऑफ इशू आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका आइडेंटिटी मार्क है, कोई चेहरे पे तिल वर्क कट वर्क है तो आप यहाँ पे देख लेना, नहीं तो आप नो मार्क डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको एड्रेस अपना फिल कर देना है, जो भी एड्रेस है। उसके बाद अगर आपका ये परमानेंट और प्रजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप तो इन दोनों में एक सा एड्रेस डाल दीजिए, अलग अलग है तो अलग अलग आप डाल देना। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, यहाँ पे फिर से मैच डाटा आपका मैच हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी आपको यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है यस कीजिए नहीं तो नो, ये आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और अपने अकॉर्डिंग यस या नो आपने करते जाना है, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर डालनी है, जो कि आपका रिफंड आएगा वो कौन से अकाउंट में आए आपको लेना है वही आपको डालना है, जैसे कि नाम, अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है और बैंक का ब्रांच का नाम आ जाएगा, एड्रेस वगैरह आपका, ये कुछ आपको जानकारी देनी है, जो कि आपको ये डिटेल बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा आपका दोस्तों क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी हाई स्कूल की डिटेल ऑलरेडी आ रही है, क्योंकि मैं हाई स्कूल की डिटेल भर चुका हूँ। यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके बाद रोल नंबर आपको डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड का नाम और डेट ऑफ पासिंग आपको डालनी है। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा देखने के लिए, दोबारा से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कनेक्शन करना है डिटेल में तो यहाँ पे एक पैल सिंक का ऑप्शन आपको मिलेगा, पैल सिंक वाले बटन पर क्लिक करके अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में आपको ITI की डालनी है, ITI पर आप सेलेक्ट करेंगे, ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे कौन सी ट्रेड है आपके पास। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ITI की डिटेल भी यहाँ पर डाल दी है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका ट्रेड का नाम आएगा ITI, सारी स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्कूल का नाम, उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको डालनी है, सर्टिफिकेट NCVT है SCVT है वो आप देख लेना, अपना सर्टिफिकेट में लिखा रहता है सब कुछ। और उसके बाद आपका जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या कोई और दूसरा सर्टिफिकेट है वो आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना और दोनों ऐड हो जाएगी डिटेल, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने बाद दोस्तों आपसे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए बोला जाता है, तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर आपका ऑलरेडी ये लगा हुआ मिलेगा देखने के लिए, तो ये जो सारी डिटेल है ये आपकी ALP से उठा ली गई है, मतलब मैच कर दी गई है, तो आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों इसमें, बस आपको एक बार चेक करते जाना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव, ये पांच स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं स्टेप बाय स्टेप बिना कोई गलती करे। अब दोस्तों फोटो सिग्नेचर लग चुके हैं, नीचे आना है और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देगा, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके इस तरह से दिए हुए हैं पोस्ट अप्लाइड, तो जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है आप प्लस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से आप प्लस पर करेंगे, जो भी आपको रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख ले, यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको टिक करना है और अपना स्टेट का ना वो प्लेस का नाम डालना है जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पहले मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ उसके बाद करता हूँ, तो मेरा प्रिंट का प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू आने के बाद आप एक बार डिटेल को चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, अगर आपको लगे सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे आपको सबमिट करने का, अगर लगता है कोई गलती है तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट आप कर सकते हैं। तो दो जो दोनों चीज़ को आप देख लेना, सबमिट है सब कुछ ठीक है तो सबमिट करना है, कोई गलती है तो एडिट करना है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म आप अच्छे से सफलतापूर्वक देखना, कोई भी गलती ना हो, तो डिटेल चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
और दोस्तों सबमिट होने के बाद आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, जैसे भी आपको पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे भी पेमेंट करना है पेमेंट आप बड़ी आसान से कर सकते हैं। अगर पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप रेलवे में RRB टेक्नीशियन में जो फॉर्म आपके निकाले गए हैं भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बता दिया है कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर अभी भी कुछ रह गया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक तो मिल ही जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके रखिए, जैसे कोई वीडियो आपके पास पहुँचेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे तुरंत सबसे सटीक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना प्यार बनाए रखिए, बस ऐसे ही मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए।